यूपी के योगी राज में बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं है। ताजा मामला यूपी के बुलंदशहर का है, जहां 11वीं क्लास की छात्रा के साथ तमंचे की नोक पर रेप करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बलात्कार और पास्को एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है और पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला महिला अस्पताल भेजा है। मैं लेटी थी तो बाबा जी ने आवाज मारी थी कि पानी दिया, तो मैं पानी देने चली गई। तो फिर मैं आके लेट गई पानी लेकर आके, तो मेरे अंकल एक तो आ गए, छोटे वाले बड़े वाले अंकल और आते। तो फिर मैं लेट गई तो एकदम खिड़की पर घंटी सी आवाज़ से गेट खड़खड़ाया, तो मैं चली गई। मैं क्या अंकल आगे दिखे हैं, तो मैं गेट खोलने चली गई तो बाहर एक आदमी खड़ा था, तो उन्होंने मेरा मुंह दबा लिया और मेरी कनबटी बिस्तर लगा ली। कहाँ का रहने वाला है वो? भापुर का ही। क्या नाम उसका? विनोद। अच्छा। मुझे खेत में खेत के ले गया था। अच्छा। बीबी नगर क्षेत्र के ग्राम बागपुर में एक नाबालिग युवती के साथ उसके पड़ोसी युवक द्वारा बलात्कार किए जाने की तहरीर थाना बीबी नगर को प्राप्त हुई, जिसमें अंकित किया गया कि युवती के साथ तमंचे के बल पर बलात्कार किया गया है। पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विस्तृत जांच की गई, जिसमें तमंचे के बल पर रेप किए जाने की पुष्टि नहीं हुई है, बल्कि ज्ञात हुआ है कि इन दोनों के आपस में पूर्व से ही प्रेम संबंध थे। पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए युवती को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। ऐसी घटना किसी लड़की के साथ भी घटनी चाहिए, हमारी लड़की के साथ घटना घटी गई है। लड़की सब खे है, इंसाफ चाहिए हमें योगी सिंह से और कोई नहीं चाहिए। जल्द से जल्द आरोपी पकड़ा जाए, उसे सजा मौत सुनाई जाए, फांसी दी जाए। इस लड़की के साथ यह हुई थी, हमारे दो ये बाहर गाड़ी चलाते हैं, 10 बजे का टाइम था, उसके बाबा ने बाहर पानी मांगा, वो पानी देकर लड़की खाट पे लेट गई। फिर 10-15 मिनट बाद हमारे किवाड़ों में आवाज़ आई, कुंदी खटखटाई, हमारी लड़की गई किवाड़ खोलने गई, सोची कि अंकल आए हुए हैं, कि घर को सदस्य क्यों जगाए, मैं किवाड़ खोल दूंगी जाकर। हमारी लड़की जैसे गेट खोले जाकर, तुरंत ही हमारी लड़की का मुंह तो बोझ के तमंचा कनपट्टी पे लगा कर हमारी लड़की को ईख में खींच के ले गया और हमारी लड़की के साथ उन्हें बलात्कार किया। ये बताया जा रहा दो बार दुष्कर्म किया है। दो बार किया है तो क्या अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार किया? कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, ना ही कोई हमारी सुनवाई है। सुनना नहीं चाहते ऐसे साहब? बिल्कुल हमारी सुनना नहीं चाहते, बिल्कुल। हम जाते हैं, हमारी कानों पर टाल देते हैं, अनसुनी कर देते हैं, हम बार बार चक्कर काट रहे हैं, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम योगी जी से निवेदन ये करते हैं कि हमारे जल्द से जल्द आरोपी पकड़ा जाए, उसे फांसी की सजा सुनाई जाए। 13 साल की लड़की है, नाबालिग। हमारी तो नाबालिग लड़की है। पढ़ती थी? हाँ जी। कौन सी क्लास में? हाई स्कूल का पेपर दिया,